होशियारबाग की बात करेंगे, जहां राशन दुकान संचालक, खाद्य विभाग और एसडीएम कार्यालय पहुंचे और सर्वर डाउन होने के चलते दुकान संचालकों को परेशानी आ रही थी, जिसको लेकर दुकान संचालक एसडीएम कार्यालय पहुंचे और पीओएस मशीन वापस करने की मांग की। सेनवा शहर के राशन दुकान संचालक एकत्रित होकर खाद्य और एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने खाद्य विभाग में पीओएस मशीन वापस करने की मांग करते हुए कहा कि इस महा सर्वर संबंधित समस्याओं के चलते राशन का सही वितरण नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण उपभोक्ताओं की नाराजगी सामने आई है और दुकान संचालकों का कहना है कि पहले भी सर्वर एनआईसी भोपाल से संचालित था और अब एनआईसी हैदराबाद से चलने लगा है, जब से ये दिक्कतें आ रही हैं। वहीं खाद्य अधिकारियों ने इस पर कुछ बताने से कतराते हुए इनकार कर दिया और एसडीएम का कहना है कि मशीनें वापस करने संबंधित कोई बात नहीं है, अब शासन के नए नियम के अनुसार 100% वितरण ऑनलाइन करना है और सर्वर संबंधित जो भी समस्या है उसे तुरंत ही निराकरण किया जाएगा। सर, पंकज अग्रवाल, राशन दुकान संचालक, वार्ड क्रमांक 13। आप लोग सब एसडीएम ऑफिस आए हैं, राशन दुकान संचालक जी। सर, मशीन में 2-3 रोज से सर्वर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से अब उपभोक्ता गाली देने पर भी उतारू हो चुके हैं। किसी को 5 किलो मिलता है, किसी को 15 किलो मिलता है, तो उनका कहना है कि क्या 10 किलो और 5 किलो अनाज के लिए रोज़ आपकी दुकान के चक्कर काटते रहेंगे हम। क्या कारण है कि मशीनें नहीं चल रही? पहले यह सर्वर एनआईसी भोपाल से चलता था, अब यह सर्वर हैदराबाद एनआईसी हैदराबाद से कर दिया गया है और इस महीने में पूरे महीने से प्रॉब्लम चल रही है। वरिष्ठ अधिकारी भी इसका कुछ जवाब नहीं दे पाते, वो कहते हैं कि ऊपर अवगत करा दिया गया है, जैसे ही आपको हमारे पास जवाब आएगा आपको दे दिया जाएगा। क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो ये चाहते हैं कि सर वो मशीन रख ले और हमें माफ़ कर दे। मशीन जमा करने जैसी कोई स्थिति नहीं है, शासन ने 100% ऑनलाइन वितरण के लिए रूल्स नए बनाए हैं, तो ट्रांजिशनल फेज़ है, हो सकता है सर्वर की कुछ इश्यूज़ हैं इसके कारण सर्वर में प्रॉब्लम है, समय रहते सॉर्ट आउट करने के प्रयास किए जा रहे हैं, ऊपर तक रिपोर्ट कर चुके हैं और संभव है जल्दी समस्या का समाधान हमको मिल जाएगा। राशन वितरण की तारीख खत्म होने को, ऐसे में कई जगह पे वितरण नहीं हो पाया, किस प्रकार लेंगे? अभी हम लोग रिपोर्ट कर चुके हैं ऊपर कि कितना वितरण हो चुका है और कितना शेष है, तो जैसे ही ऊपर से कोई जो भी निर्देश आएंगे उसके अनुसार काम किया जाएगा।